हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं पिछले कई दिनों से आप लोगों को डिजिटल लिटरेसी के बारे में बताते आ रहे हैं। तो आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, ये टॉपिक भी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है द होलोलिथ मशीन। क्या नाम है? द होलोलिथ मशीन। आज हम लोग इसी को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, पढ़ने से पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम अपने चैनल की। हम लोग जिस चैनल पर पढ़ते हैं उसका नाम है संकल्प इंडिया। क्या नाम है? संकल्प इंडिया डिजिटल लिटरेसी। इस चैनल का मेन उद्देश्य ये है कि बढ़ती दुनिया में डिजिटल लिटरेसी, जैसा कि आप लोग जानें कि ये जो दुनिया है बहुत तेज़ी से डिजिटल में कन्वर्ट हो रही है, तो ये बढ़ती दुनिया में आप पीछे न छोड़ जाए, इसलिए हम आपको डिजिटल लिटरेसी के बारे में बताने के लिए आए हैं। तो चलिए, हम लोग आज पढ़ते हैं द होलोलिथ मशीन के बारे में, इसको हम टैबलेटिंग मशीन के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द होलोलिथ जो मशीन का डेवलपर है, इन्वेंटर है, उनके बारे में। उसके बाद फिर हम उस मशीन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, इन्वेंटर के बारे में जानते हैं। देखिए, यही आपके जो बाबा हैं, यही क्या है, यही इन्वेंटर है। इन्हीं का नाम क्या है? हरमन होलोलिथ। इन्हीं का नाम था हरमन होलोलिथ। इनके बारे में हम जानते हैं हम लोग। चलिए, इनका नाम था हरमन होलोलिथ। इनका जो जन्म हुआ था 29 फरवरी कब हुआ था? तो 1860 ईस्वी में न्यूयॉर्क में एक बिफोलो नाम का जगह है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। फिर आगे इनका जब मृत्यु हुआ था, तो ये मृत्यु इनका मृत्यु हुआ था 17 नवंबर को। कब हुआ था? 17 नवंबर 1929 को इनका मृत्यु हुई थी। जब ये मरे थे, जब डेट किए थे, तो उनका उस समय 69 साल के थे। 69 साल के ईस्वी में इन्होंने 69 साल के एज में इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिए थे। चलिए, इनके बात करते हैं इनके रेजिडेंस प्लेस के बारे में, कि इनको कहाँ दफनाया गया है, इनकी जो दफनाया गया है कहाँ दफनाया गया है। इनको दफनाया गया है ओके हिल्स नामक कब्रिस्तान में। कहाँ दफनाया गया है? इसका सेमेट्री मतलब होता है कब्रिस्तान। इनका जो दफनाया गया है, कहाँ दफनाया गया? ओके हिल नाम का कब्रिस्तान है, वहीं इनको, ये भी न्यूयॉर्क में ही है, वहीं इनको दफनाया गया है, वाशिंगटन डीसी में है। फिर आगे हम बात करते हैं इनका पढ़ाई किस तरीके से होती है। इनका जो सिटी कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में एक सिटी कॉलेज है, वहाँ इनका पढ़ाई हुआ था। वो जब जिसमें पढ़े थे, वो कब पढ़े थे? तो 1875 ईस्वी में। ये कॉलेज कहाँ से किए थे? तो न्यूयॉर्क के सिटी कॉलेज से किए थे। ठीक है, फिर इनका कोलंबिया यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ माइंस में इनका क्या हुआ था, एडमिशन हुआ था कब? तो 1879 ईस्वी में। फिर आगे बात करें, इनके ऑक्यूपेशन जो था, इनका व्यवसाय थे, ये इन्वेंटर थे, डेवलपर थे और बिजनेस पर्सन थे। ये बिजनेसमैन भी थे और क्या थे? डेवलपर थे, इन्वेंटर, जिसको आविष्कारक कहते हैं। फिर इनके बारे में और जानते हैं। चलिए, ये इनके बारे में जानने के लिए इनको किस उद्देश्य से जाना जाता था, इन्हें किस नाम से पहचाना जाता था इंसान, क्योंकि कोई भी इंसान होती है उनकी एक पहचान होती है। तो इनकी पहचान क्या थी? कि ये जो हम लोग आज जिस टॉपिक को पढ़ने वाले, उनके ये इन्वेंटर थे, इसीलिए सबसे ज़्यादा इसी नाम से ये जानते थे और इसी मशीन के नाम से ये फेमस हुए थे। जब ये मशीन को बनाए थे, तभी दुनिया इनको जान पाई थी, पहचान पाई थी। और दूसरा इनकी पहचान मिली थी IBM कंपनी से, यही IBM कंपनी के डेवलपर हैं। चलिए, फिर आगे बात करते हैं। ये जो बनाए थे, उनके लिए इनको बहुत सारा अवार्ड भी दिया गया था। अवार्ड कौन कौन दिया गया है, इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए, बात करते हैं। सबसे पहले इनको मिला था 1890 में इलाइट क्रिएशंस मेडल। सबसे पहला इलाइट क्रिएशंस मेडल मिला था 1890 में। कब मिला था? 1890 में। दूसरा अवार्ड मिला था इनको वर्ल्ड्स कम्बियन कम्बियाई एक्सपीशंस ब्रॉन्ज मेडल, जो मिला था 1892 में। तीसरा मिला था नेशनल इन्वेंटर्स हॉल्स ऑफ फार्म, इनका ये मिला था अवार्ड 1990 में। एक और अवार्ड मिला था 1889 में, इसका नाम था मेडियल ओ आर डी और एक्सपीशंस यूनिवर्सल्स डे। ये कब मिला था? तो ये सब के सब अवार्ड जो है वहाँ क्या है, क्या कहते हैं, अमेरिका का। ठीक है, तो 1889 में इनको ये पूरा अवार्ड दिया गया था। चलिए, आगे इनके बारे में हम लोग जान गए हैं, और आगे हम बात करते हैं आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इनके पूरा बारे, इनके पूरा डिटेल्स जो है इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में हम आपको बता चुके हैं। अगर कभी इन क्वेश्चन ये अभी आ जाता है कि इनके पुत्र कितने थे, बच्चे कितने थे, पुत्र नहीं ऑल चिल्ड्रन कितने थे, तो 6 था, याद रखिएगा आप लोग, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए, आगे बात कर लेते हैं आज हम लोग जिसको पढ़ने वाले हैं उसके बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द होलोलिथ मशीन के बारे में। ठीक है, अब इनके इन्वेंटर के बारे में हम तो बाखूबी अच्छे से जान चुके हैं, तो द होलोलिथ मशीन के बारे में भी जान लेते हैं।
तो यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे, इसको देखिए हम कई पॉइंट में डिवाइड किए हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट पर देखेंगे, पॉइंट बाई पॉइंट इसको डिवाइड किए हुए हैं ताकि आपको कोई भी डाउट्स कहीं से भी ना रह जाए। आपको जो हम ये समझा रहे हैं सबसे यूट्यूब का सबसे नंबर वन एक्सप्लेनेशन से, आप लोग अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो आप बहुत सारे वीडियो जो है द हॉलीडेज मशीन के बारे में बताया गया है, आप सभी को चेक कर डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसके पॉइंट की ओर जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है, इन 1885 हर्मन हॉलीडेज डेवलप ए मशीन दैट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग एंड द रिकॉर्डिंग डेटा। कह रहा है कि द हर्मन हॉलीडेज के द्वारा जो बनाया गया था 1885 में मशीन जो बनाया गया था, उस मशीन का नाम क्या था? द हॉलीडेज मशीन था। क्या नाम था? द हॉलीडेज मशीन। ये जो था मशीन बनाया गया था, तो ये उस समय का दुनिया में भी कह सकते हैं या उस समय का सबसे पहला मशीन, ऐसा मशीन था जो इलेक्ट्रिसिटी से रन करती थी, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला ये मशीन था। अगर आपसे कोई कभी क्वेश्चंस भी ये पूछता है कि दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर जो बिजली से चलने वाला कौन था, तो आप उसको द हॉलीडेज मशीन में टिक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है कि डेवलप्ड ऑन इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोपेरेड कार्ड टू एड अकाउंटिंग। कह रहा है कि इसको जब डेवलप किया गया था, किस लिए डेवलप किया गया था, तो इलेक्ट्रॉनिक इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल, और प्रीड मतलब होता है छिद्र। क्या होता है? छिद्र। इसको जो बनाया गया था तो ये अकाउंटिंग, इनका इसका मेन पर्पज़ था बनाने का उस समय का, कि अकाउंटिंग, अकाउंटिंग मतलब लेखांकन जो होती है, अकाउंटिंग टैली में ज़्यादा यूज़ की जाती है, तो उसके लिए इसको मेन उद्देश्य उसके क्या किया गया था, डेवलप किया गया था अकाउंटिंग में सहायता करने के लिए। ठीक है, एड मतलब सहायता करने के लिए उसका प्रयोग किया, इसका इस मशीन को डेवलप किया गया था। चलिए इसके बारे में आगे जा रहे हैं। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इन 1891 इट वाज आल्सो यूज्ड फॉर द जीनियस ऑफ ऑस्ट्रेलिया कॉमा कनाडा एंड नॉर्वे। कह रहा है कि इसका जो प्रयोग है ना 1890 में, सबसे 91 है यहाँ पे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं 90 की। 1890 में इसका प्रयोग सबसे पहले अमेरिका की जनसंख्या को काउंट करने के लिए, 1890 में जो है इसका प्रयोग किया गया था अमेरिका की जनसंख्या को कैलकुलेशंस करने में, अमेरिका की जनसंख्या निकालने में। उसके बाद इसका प्रयोग 1891 में किया गया था ऑस्ट्रेलिया, जब अमेरिका सक्सेस हो गया था तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और नॉर्वे के जनसंख्या को कैलकुलेशंस करने में इसका प्रयोग, इस मशीन का प्रयोग किया गया था। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, कोई भी पॉइंट छूटे ना उसे याद कर लेंगे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इस पर, इसका रिवीजन कर लेते हैं। 1890 में सबसे पहले देख लीजिए, 1890 में इस मशीन का प्रयोग जो है अमेरिका की जनसंख्या को कैलकुलेशंस करने में किया गया। उसके बाद जब अमेरिका की जनसंख्या सक्सेसफुल रही, तब इसका प्रयोग कनाडा, नॉर्वे और ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या को कैलकुलेशंस करने में प्रयोग किया गया था। इस मशीन को बनाने का उद्देश्य क्या था? तो अकाउंटिंग में सहायता के लिए। उसके बाद फिर बन जाती है, तो देखिए एक कोई भी अगर डिवाइस बन जाती है, तो जैसे कंप्यूटर बना था तो उस समय कैलकुलेशंस के लिए बना था, लेकिन अभी कंप्यूटर जो है आपका कोई ऐसा दुनिया का फील्ड नहीं जिसमें कंप्यूटर का उपयोग ना किया जाता हो। तो ये बनाया गया था किस लिए? काउंटिंग करने के लिए। लेकिन क्या हुआ कि जब इंसान इसे अच्छा प्रयोग करने लगा तो हर फील्ड में ये फैलते चला गया है। सिर्फ इसी प्रकार से जो इसे बनाया गया था तो अकाउंटिंग के लिए बनाया गया था, लेकिन इसका प्रयोग जो है जनसंख्या कैलकुलेशंस में भी अच्छा की जाने होने लगा था, इसीलिए इसे जो है जनसंख्या काउंटिंग करने में भी इसका प्रयोग किया गया था। चलिए आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट भी, चौथा पॉइंट को देखते हैं। चौथा पॉइंट कह रहा है कि इन 1896 द हॉलीडेज एस्टेब्लिश हिज वन कंपनी कॉल्ड TMC, जिसको हम लोग कहते हैं टैबलेटिंग मशीन्स कंपनी। इसलिए इस मशीन को टैबलेटिंग मशीन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कोई अगर आपसे पूछे कि टैबलेटिंग मशीन, द हॉलीडेज मशीन को टैबलेटिंग मशीन क्यों कहते हैं, तो क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे जो है हर्मन हॉलीडेज द्वारा कंपनी डेवलप किया गया था, जिस कंपनी का नाम रखा गया था टैबलेटिंग मशीन्स कंपनी, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं TMC। क्या कहते हैं? TMC, इसका फुल फॉर्म होता है टैबलेटिंग मशीन कंपनी। ठीक है, तो इस मशीन को क्या गया था, डेवलप किया गया था हर्मन हॉलीडेज द्वारा, जब ये मशीन बनाए थे हर्मन हॉलीडेज, उसके बाद ही इस कंपनी को डेवलप किए थे, इसीलिए इस कंपनी को जो है इस मशीन को जो है इसका टैबलेटिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आप लोग को यही पॉइंट समझ में आएगा कि 1896 में हर्मन हॉलीडेज द्वारा एक कंपनी को डेवलप किया गया था, जिस कंपनी का नाम था टैबलेटिंग मशीन कंपनी, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में TMC के नाम से जानते हैं। और इसी कंपनी को, अगला पांचवा पॉइंट कह रहा है, इसी कंपनी को जो है
आगे इसी कंपनी के जो आगे इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के नाम से जाना जाता है। आज के ज़माने में इस मशीन इस कंपनी को जो टीएमसी कंपनी है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के नाम से जाना जाता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को पूरा के पूरा हॉलीरिथ के मशीन के बारे में अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट अगर रह गया हो तो वो नीचे कमेंट करेंगे, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उससे भी अच्छा एग्जांपल देके समझाएंगे, क्योंकि हमारे पास एग्जांपल के ढेर पर हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग को पूरा समझ में आ गई होगी। चलिए आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।